हमारा मन होगा तुम तिवारी जी के साथ जाएंगे, हमारा के साथ जाएंगे। एक व्यक्ति पार्टी के अंदर नहीं होता है। रामदेव को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, रजिंदर भी बता देना चाहता हूँ। रजिंदर मेरे को प्लान के अंदर प्लान बोला कि अगर बाहर कर दिया गया व्यक्ति पार्टी को चार बार पार्टी से। क्यों क्यों बाहर किया गया? क्या सब बोला बाहर किया गया? रामदयाल जी ने बोला हमसे कि आप तोगले के औलाद हैं। हमने कहा कि क्या लोग है पंचों से, उन्होंने पूछा कि आप उज्जैन गए थे? हमने कहा हाँ गए थे। तो बोले मैंने तोगलों का संग नहीं करता और आपका जो रोड वाला मामला है मैं तो एक हफ्ते में हल कर देता। अगर उनके नाम में दम हो, आज मैं मंच के माध्यम से कर रहा हूँ, तो एक हफ्ते में अगर मेरा काम फ्लो कर दे तो मैं उनको 10,000 रुपए दूंगा। अगर मैं झूठा हूंगा तो नहीं, वो बोले क्या? वो बोले ना, उनकी बात बताओ, उन्होंने क्या बात बोल चुके। तो कार्यकर्ता सम्मेलन आया था जिसमें काफी मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या मामला था? मैं बी एन त्रिपाठी, शिवसेना रीवा संभाग संपर्क प्रमुख, प्रदेश प्रमुख थाड़ेश्वर महावर के आने की सूचना मिलने पर लगभग 15-20 गाड़ियों काफिला के साथ बरगमा गया था। बरगमा से नीलम पैलेस में रुके, इसके बाद जो है तो माँ का दर्शन करने शक्तिनगर चले गए थे। शक्तिनगर वापस आने के बाद सारे शिव सैनिक लगभग सुबह 6 बजे से व्यस्त थे और भूखे प्यासे आगे पीछे दौड़ रहे थे। उनका सब लोगों का इच्छा था कि सिंगरौली में जो शिवसेना के बीच में मतभेद की स्थिति चल रही है, मतांतर की स्थिति चल रही है, एक एक शिव सैनिक अपनी समस्या सुनाने के लिए महावर जी से रूबरू होना चाह रहे थे, लेकिन उनके द्वारा कह दिया गया कि अभी जो है नाश्ता करेंगे, कुछ देर बाद जो है मिलेंगे। इसके बाद शिव सैनिकों ने मिलने की सूचना चाही तो उनके द्वारा कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगरौली जिले का कोई पदाधिकारी अंदर नहीं रहेगा। सिंगरौली जिले के पदाधिकारियों को साहब जब बाहर कर दिए गए तब उनके मन में यह भावना बनी और भाई सारे शिव सैनिकों ने जो है तो जिला प्रमुख और उपराज्य प्रमुख एस एन दुबे के संबंध में जो है तो थोती बातें बोले और मुर्दाबाद के नारे लगाए और बोले कि जब शिवसेना में कोई व्यक्ति किसी का सुनने वाला नहीं है, इसलिए शिवसेना पार्टी जो है तो अब सिंगरौली में 2 गुटों में चलेगी और जिसको जो कुर करना हो करता रहे। ये अभी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपके थाड़ेश्वर महाव जी का साफ शब्दों में कहना है कि बी एन त्रिपाठी शिवसेना के किसी भी पदों पर नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? बी एन त्रिपाठी माननीय प्रदेश संपर्क प्रमुख राजा मोधो जी भोसले, जो प्रदेश के संपर्क प्रमुख हैं, उनके निर्देशानुसार सह प्रदेश संपर्क प्रमुख रजनीश गिरे द्वारा विधिवत मेरे को नियुक्ति दी गई है और मैं विधिवत जो है प्रदेश रीवा संभाग का संपर्क प्रमुख हूं। इसकी जानकारी जिस किसी व्यक्ति, पत्रकार, मीडिया, महोदय, शासन प्रशासन को लेना हो, माननीय प्रदेश संपर्क प्रमुख माननीय राजा मोधो जी भोसले साहब से संपर्क करें और यह बात स्पष्ट जाहिर हो जाएगी कि मैं किसी पद पर हूं कि नहीं हूं। जिस तरह से एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी महासो जी ने इतना बड़ा बात कह दी किसी पद, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश के प्रदेश प्रमुख स्वयं पूरे प्रदेश में इस तरह से मतांतर की स्थिति निर्मित की है कि प्रत्येक जिला में शिवसेना 2 खंड में चल रही है। इसका पूरा दारोमदार कारण प्रदेश प्रमुख माननीय थाड़ेश्वर महावर जी हैं, न कि अन्य कोई भी है, उनके यही मतांतर के। जब शिवसेना में प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि हम शिवसैनिक और शिवसेना के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं और शिवसेना का जिला प्रमुख भी यही कहता है कि मैं शिवसेना में अधिक से अधिक लोगों की सदस्यता दिलाएंगे, और जब हम भी और हमारे और नीचे चैनल के लोग यदि कहते हैं कि शिवसेना के सदस्य हैं और शिवसेना के पदाधिकारी हैं, तो उनके द्वारा यदि ये बात कही जाती है तो बिल्कुल निंदनीय है और घोर निंदनीय है। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग काफी संख्या में बाहर खड़े हैं, क्या कार्यक्रम सपोर्ट नहीं? कार्यक्रम का सपोर्ट का मतलब कोई भी नहीं है। उन्होंने जितने जिला प्रमुख द्वारा जो जिन व्यक्तियों का कोई भी पार्टी में कभी कार्य करने की गति नहीं है, कभी पार्टी में अपनी भूमिका निभाई नहीं है, पार्टी के लोगों को कभी रूबरू नहीं है, उनके बीच में अपना जो है तो प्रहसन किए, उनके माल्यार्पण कराएं, इसके कारण और मेरे जिले के सारे पदाधिकारी जैसे हैं, भाटो सेना भातुक सेना अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं और राजेश गुप्ता जी जिला युवा सेना के जिला उपाध्यक्ष हैं, इस तरह से मेरे सारे पदाधिकारी दुखित हैं। कुल मिला कहा जाए कि आप लोगों को वहाँ सम्मानित नहीं, आप लोग अवसर नहीं दे, इसलिए आप लोग नाराज होकर यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लेकर यह सम्मेलन से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदेश प्रमुख को तो सारे लोगों को, उनके सारे बच्चे हैं, उन्हें प्रदेश के मुखिया हैं, उनको उनके सारे बच्चे हैं, उनको सारी जो है तो तवज्जो देना चाहिए और एक एक व्यक्ति की गिनती करनी चाहिए। उनका यह कार्य जो है कदापि नहीं कि उनके सामने बच्चा बैठा हुआ है और उसका जो है तो निंदा करेंगे।